महिलाएं बच्चों को जन्म देते हैं और उसे ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुरुषों के निप्पल क्यों होते हैं? एक जबरदस्त फैक्ट बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। मूल रूप से पुरुष और महिला सभी एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट से बने हैं, लेकिन गर्भ में रहने के दौरान पुरुष और महिला भ्रूण अलग दिशा में विकसित होते हैं। पहले कुछ हफ्तों के लिए नर और मादा भ्रूण निप्पल विकास के साथ एक ही ब्लूप्रिंट का पालन करते हैं। हालांकि गर्भावस्था में 6 से 7 सप्ताह बाद वाई क्रोमोसोम के एक जीन भ्रूणों में परिवर्तन लाता है, जिससे नर भ्रूण में टेस्टिस का विकास होता है और शुक्राणु पैदा करता है और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। टेस्टिस बनने के बाद पुरुष भ्रूण का उत्पादन शुरू होता है। टेस्टोस्टेरोन गर्भावस्था में लगभग 9 सप्ताह बाद जनन अंग और ब्रेन के सेल्स की जेनेटिक गतिविधि को बदल देता है, लेकिन तब तक वह निप्पल स्थायी हो जाते हैं और इसलिए पुरुषों के निप्पल होते हैं।